Hey guys, assalamualaikum to all films Mr. Sasriya Karl and welcome back to our channel that is Minus Guys. तेरे नाम मूवी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस. लास्ट सीन में हमने देखा था कि भूमिका फाइनली सलमान खान को मिल गई है. गाना आया ओढ़ नी ओढ़ के नाचो, बस इतनी देर की खुशी थी और आज सलमान खान के ऊपर हमला होगा जिसकी वजह से आई गेस वो पागलखाने या फिर मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं और उनकी मोहब्बत खत्म. वेरी इमोशनल सीन माइट भी होने वाला है. स्टार्ट करते देखते कैसा है फिर बताएंगे कि हमें कैसा लगा. That's why I hate bike. बन कर रहेगा हमारा अपनी दादागिरी अपने कॉलेज के लौंडों तक ही रखना चाहिए था. Mental hospital.
निर्जरा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। किस लिए? तू क्यों अपने आप को परेशान कर रही है बिना वजह? तू नहीं समझेगी तू? मैं सब समझती हूँ, पर अब इन बातों से कोई फायदा है क्या? बोल। अच्छा, इसी में है कि जितना जल्दी हो तू उसे अपने दिमाग से निकाल दे। अभी तो ज्यादा दिमाग में। चल उठ, चल चल। दस इंजेक्शन लाओ जल्दी। याद है कि सलमान खान जो है वो किस तरीके से इस मेंटल से बाहर निकलता है और जाता है, और जो होता है वो मुझे याद है, वो पर्टिकुलर सीन याद है। मुझे पूरी मूवी का ये सिनेरियो याद नहीं है, बस मुझे ये पता था कि उसको लगता है इस तरीके से मारते हैं यार तीन बार। इट वॉज डैम बैड हार्श रियलिटी। सलमान खान ने फाइट बैक भी की, लेकिन पीछे से जब मारा तो फिर वो जो हमारा डंडा था जिससे वो उठाते हैं मिट्टी वगैरह, उसके बाद बात ही खत्म हो गई। और देन सलमान खान की एक्टिंग इसके अंदर आउटस्टैंडिंग थी, जिस तरीके से उसने एक्ट किया है पूरे इस पर्टिकुलर सीन में वो आउटस्टैंडिंग था। इस टाइप की एक्टिंग करना और ज़रा डिफिकल्ट होता है एक्टर के लिए, और सलमान खान ऑलवेज प्रूव दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। पता नहीं क्यों भूमिका को बोल दे कि उसको बुला दे, लगता है कि उसने अब तक हिम्मत ही हार गई है और उसकी फैमिली वाले सब कुछ हिम्मत हार चुके हैं कि अब सलमान खान ठीक नहीं हो सकता। 40 मिनट की मूवी बाकी है, 40 मिनट बहुत दर्दनाक होने वाले। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सीन में, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय।